और सिर्फ एक हाथ में क्लच पकड़ा हूँ और एक हाथ में कुछ नहीं और गाड़ी सिर्फ आगे जा रही है, आप देख ही सकते हैं। ऐसे करके दोस्तों आपको एक नया वीडियो में एक्सप्लोर इंडिया के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लच को लेके। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था कि आप क्या जानते हैं, आप अगर सिर्फ क्लच यूज़ करें तो गाड़ी आगे जा सकती है, आप जानते थे? नहीं, शायद बहुत लोग जानते थे या फिर बहुत लोग नहीं भी जानते थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि क्लच अगर आप दबाते हैं छोड़ते हैं तो आपको ये एक्सेलरेटर हाथ देने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप आगे जा सकती है। अगर आप बिगिनर है तो आप इसको बैलेंस के रूप में या फिर आप सिर्फ क्लच के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं और गाड़ी आगे जाएगी। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि सिर्फ क्लच के भरोसे हम लोग कैसे गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहली बात तो पहले तो हमको कि गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा। चलो गाड़ी को ऑन करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी को ऑन करने के लिए पहले तो आप अपने क्लच को ऐसे पकड़िए और गाड़ी को यहाँ पे जो ये स्विच है इसको थोड़ा दबाइए। तो दोस्तों गाड़ी ऑन हो गई, आप देख ही सकते हैं गाड़ी पूरा ऑन हो गई और मेरे हाथ में जो है क्लच ये सिर्फ है और दूसरे जो हाथ में मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ तो इसलिए ये छोड़ दिया है, लेकिन मेरे एक हाथ में क्लच आप देख सकते हैं। तो मैं अगर इसको छोड़ता हूँ और गाड़ी देखिए फर्स्ट गियर में है, गाड़ी फर्स्ट गियर में है और अभी तो मैं फ़िलहाल इसको छोड़ूंगा और गाड़ी आगे जाएगी। देखिए दोस्तों मैं धीरे धीरे करके क्लच छोड़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं इरा क्लच मैं देखिए धीरे धीरे करके क्लच छोड़ रहा हूँ, आगे जाएगी। और दोस्तों आपको ना क्लच छोड़ना नहीं है, आपको क्लच को पकड़ कर रखना है, आप अगर छोड़ेंगे तो गाड़ी तुरंत रुक जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक हाथ में मैं क्लच पकड़ रहा हूँ और गाड़ी अपने आप आगे जा रही है, आप देख सकते हैं। मैं जस्ट क्लच को बैलेंस कर रहा हूँ और पैरों से मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और नहीं तो सिर्फ और गाड़ी रुक गई फिर से, लेकिन मुझे फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों गाड़ी ऑन हो गई और ये क्लच सिर्फ क्लच के ज़रिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पैर भी उठाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं दोनों पैर उठा चुका हूँ और गाड़ी आगे जा रही है। देखिए दोस्तों गाड़ी आगे जा रही है और मैं दोनों पैर ऊपर उठा चुका हूँ, तो सिर्फ क्लच मैं पकड़ रखा हूँ और गाड़ी अपने आप को पुश कर रही है। ये सब गाड़ी में होता है, आप अपने गाड़ी में भी ये ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर या थर्ड गियर। फर्स्ट गियर में थोड़ा स्लो चल रहा है, फर्स्ट गियर में हम लोग अभी देख सकते हैं कि 6 के स्पीड में जा रहा है और अभी सेकेंड गियर में थोड़ा और भी आगे जाएगा। मैं सेकेंड गियर डाल दिया, अभी देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ चुका है, 9 किलोमीटर पर आवर हो गया है अभी 9-10, और ये सिर्फ क्लच और यहाँ पे कुछ नहीं, और मैं अपने पैर को ऊपर रखा हूँ और बेल दबा दूँ। हाँ अभी कोई नहीं है, तो ये 10 किलोमीटर जा रहा है। मैं फिर से देखिए दोस्तों अभी गाड़ी को मैं थर्ड गियर में डाल चुका हूँ, अभी ये 13 की स्पीड में जा रहा है, 13-14 की स्पीड में जा रहा है और सिर्फ एक हाथ में क्लच पकड़ रहा हूँ और एक हाथ में कुछ नहीं और गाड़ी सिर्फ आगे जा रही है, आप देख ही सकते हैं। ऐसे करके कुछ भी नहीं है, मैं स्लो कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ भाई, ठीक है? तो देखिए दोस्तों चीज़ ऐसा है कि आप अगर सिर्फ क्लच का यूज़ करते हैं तो गाड़ी सिंपली आगे जाएगी। आपका थर्ड गियर हो, फर्स्ट गियर हो या फिर सेकेंड गियर हो, आप अगर बिगिनर है तो आप इसको यूज़ करके आप देख सकते हैं, तो काफ़ी इजी होगा। सिर्फ गाड़ी को ऑन करना है, इंजन को ऑन करना है और क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ना है पकड़ना है, आप समझ जाएंगे और गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगी, एक हाथ में भी क्लच चल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। आपको अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल हो या फिर कुछ भी बताना हो या फिर कुछ भी बोलना हो तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और एक्सप्लोर इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।